नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। सीबीएसई के छात्रों को थ्योरी और प्रायोगिक परीक्षा में अलग अलग होना होगा पास। सीबीएसई के छात्रों के लिए अहम सूचना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं के छात्रों को थ्योरी और प्रायोगिक परीक्षा में अलग अलग पास करना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप अब थ्योरी परीक्षा में छात्रों को कम से कम 33% अंक लाने होंगे। इसके साथ ही प्रायोगिक परीक्षा में भी पास करने के लिए 33% अंक अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं 10वीं में इस बार थ्योरी और आंतरिक मूल्यांकन को मिलाकर ही छात्रों को पास करने का प्रावधान रखा गया है। ज्ञात हो कि 12वीं में प्रायोगिक विषय में 70 अंक का थ्योरी और 30 अंक की प्रायोगिक परीक्षा होती है। वहीं बिना प्रायोगिक विषय में 80 अंक की थ्योरी और 20 अंक की प्रायोगिक परीक्षा ली जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले हफ्ते करेंगे अपने मंत्रिमंडल का विस्तार। आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है। वहीं आज से शुरू हुए इस 5 दिवसीय सत्र के बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल में विस्तार करने का फैसला लिया है। जदयू नेता के अनुसार अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो जदयू की तुलना में भाजपा के ज्यादा मंत्री बनेंगे, क्योंकि उनके विधायकों की संख्या अधिक है। इस कैबिनेट विस्तार में सहयोगी दल हम और वीआईपी के विधायकों को मंत्री बनाने की संभावना कम ही है। सूत्रों के अनुसार बिहार सरकार 36 कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अपना मंत्रिमंडल छोटा रख सकते हैं। इस बार जदयू से 7 और भाजपा के 10 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। 17वीं बिहार विधानसभा का पहला सत्र हुआ आज। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के परिणाम के बाद 17वीं बिहार विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो गया है। वहीं पहली बार चुनकर आए, दूसरी बार चुनकर आए और एक या इससे अधिक अंतराल के बाद चुनकर आए सदस्यों के अलग अलग स्तरों के उत्साह भी देखने को मिले। 5 दिवसीय सत्र के शुरुआत में ही चुने गए विधायकों को शपथ दिलवाई गई, जिसके तहत उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी समेत अन्य मंत्रिमंडल के सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया है। शपथ से पहले ही कांग्रेस के विधायकों ने हंगामा भी किया, जिसके तहत भूमि सुधार कानून, गन्ना किसानों के मुद्दे और वैशाली मामले में दिलनाज को इंसाफ दिलाने की मांग की गई है। बिहार में ठंड के कारण कई जिलों का गिरा पारा। छठ के बाद अब लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। पश्चिमी हिमालय में विभोक्ष पैदा होने के उत्तरी भारत में ठंड बढ़ गई है। सुबह शाम काफी ठंड पड़ रही है, जबकि दिन में धूप निकलने से हालांकि लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिल रही है। रविवार को राजधानी पटना के तापमान की बात करें तो पटना का पारा 6 डिग्री लुढ़क कर 10.8 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। वहीं शनिवार को न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसमें कोई विशेष गिरावट नहीं हुई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो रविवार को इस सीजन का राज्य का सर्वाधिक ठंडा दिन रहा, जबकि गया सबसे सर्द जगह रहा। गया का न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद अब तेजी से मौसम का मिजाज बदल रहा है। बड़े हादसे से बची यात्रियों से भरी फ्लाइट। बीते दिन कुछ तकनीकी खराबी से उड़ने के 15 मिनट बाद बीच रास्ते में स्पाइस जेट की अमृतसर वाली फ्लाइट को वापस राजधानी पटना लौटना पड़ा। दोपहर 11:30 बजे पटना से अमृतसर के लिए स्पाइस जेट की फ्लाइट SG3723 ने उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान के महज कुछ देर बाद ही पायलटों को विमान के इंजन में तकनीकी खराबी का आभास होने लगा। सूत्रों की माने तो इंजन में खराबी के कारण विमान को ऊपर जाने में परेशानी हो रही थी, जिसके बाद पायलट ने वापस पटना की ओर लौटने का निर्णय लिया। तब तक 15 मिनट हो चुके थे और विमान पटना से काफी दूर जा चुका था। पायलट ने ATC से बात की और वापस लौटने की अनुमति मांगी। उड़ने के लगभग आधे घंटे बाद दोपहर 12 बजे पटना एयरपोर्ट पर विमान उतारा गया। कोरोना माहौल के बीच विश्वविद्यालयों में क्लास संचालन की शुरू हुई तैयारी। कोरोना के बीच प्रदेश के विश्वविद्यालयों में क्लास संचालन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। हालांकि शिक्षा विभाग अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में नजर आ रही है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने इस बाबत अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि हमें कोरोना की स्थिति का अभी आकलन करने की जरूरत है। जल्द ही इस संदर्भ में औपचारिक बैठक बुलाकर परिस्थितियों की समीक्षा की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के अधिकतर विश्वविद्यालय क्लास संचालन की तैयारी की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। कई ने इस संदर्भ में अनौपचारिक तौर पर खाका तैयार कर लिया है। भागलपुर विश्वविद्यालय, मुंगेर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय पाटलिपुत्र और पटना विश्वविद्यालय क्लास संचालन के संदर्भ में जल्द ही समीक्षा करने जा रहे हैं। बिहार में 3.25 लाख सरकारी कर्मचारियों की सर्विस बुकिंग होगी डिजिटल। कोरोना के माहौल में पूरा देश वर्तमान समय में डिजिटलीकरण की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में अब बिहार के 3.25 लाख सरकारी कर्मचारियों की मुश्किलें आसान होने वाली है, जिसके तहत किसी कर्मचारी को अब अपने सर्विस बुक की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही अब सर्विस बुक गायब होगा, क्योंकि सभी कर्मचारियों की मुश्किलें आसान करने के लिए राज्य सरकार अपने सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका को डिजिटलाइज करने जा रही है।
इस काम को बिहार विकास मिशन की देखरेख में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए कराया जा रहा है। सरकारी कर्मचारी की छुट्टी भी कागजी प्रार्थना पत्र पर नहीं मिलेगी, उन्हें इसके लिए ऑनलाइन आवेदन देना होगा। पटना एम्स में कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू। कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। पटना एम्स में कोरोना वैक्सीन के दो चरण के सफलतापूर्वक कामयाब होने के बाद इसके तीसरे चरण के ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है। जल्द ही तीसरे चरण के ट्रायल को भी पूरा कर लिया जाएगा। अगर यह कामयाब रहा तो वैक्सीन अगले कुछ महीने में लोगों तक पहुंचने लगेगी। आईसीएमआर और हैदराबाद के भारत बायोटेक की ओर से बनाई गई इस वैक्सीन के तीसरे ट्रायल को बड़े स्तर पर करने की तैयारी हो रही है। पटना एम्स में करीब 2000 लोगों पर इसका ट्रायल किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति इस ट्रायल में हिस्सा ले सकता है। ट्रायल पूरा होने के बाद इसमें भाग लेने वालों में एंटीबॉडी बनी है या नहीं, इसे चेक किया जाएगा। बिहार में अब बीज डीलरों पर नकेल कसने की शुरू हुई तैयारी। बीज डीलरों पर अब नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके तहत विभाग ने मुख्यालय के अधिकारियों की 8 टीमें बनाई हैं, जिसमें हर टीम को अलग अलग जिलों की जांच का जिम्मा दिया गया है, जिसके बाद डीलरों की जांच तो करवाई ही जाएगी। साथ ही टीम में शामिल अधिकारी अपने जिले के किसानों से भी बात भी करेंगे। किसान कौन से प्रभेद की खेती करते हैं और इसके लिए बीज कहां से लाते हैं, किसानों से मिली जानकारी को डीलर के लाइसेंस से मिलान किया जाएगा। अगर डीलर ने बिना लाइसेंस वाले प्रभेद की बिक्री की है तो सख्ती दिखाई जाएगी। लाइसेंस के अनुसार बिक्री हो रही है या नहीं, इसकी जांच के लिए अधिकारियों की टीम गठित कर दी गई है। नेपाल और बंगाल जाना होगा अब और भी आसान। बिहार से नेपाल और बंगाल जाना अब और भी आसान होने वाला है, जिसके तहत पटना से गलगलिया से अररिया और मुंगेर से भागलपुर की मिर्जा चौकी सड़क परियोजना पर अगले साल की शुरुआत में निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने निर्माण एजेंसियों से टेंडर के माध्यम से प्रस्ताव की मांग भी कर ली है। यह टेंडर 4 दिसंबर को खुलेगा और निर्माण एजेंसी का चयन होगा। चुनी गई एजेंसी द्वारा 2 साल में सड़क का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। अररिया से गलगलिया के बीच सड़क बनने से बिहार नेपाल के समानांतर एक और सड़क हो जाएगी, जो NH-57 के एक विकल्प के रूप में काम करेगी। केंद्र सरकार ने NH-80 से मुंगेर से भागलपुर की मिर्जा चौकी तक 4-लेन सड़क बनाने के लिए 4 पैकेजों में टेंडर निकाला है। अपने पद से इस्तीफा देने वाले मेवालाल चौधरी की बढ़ सकती है मुश्किलें। बिहार में नीतीश सरकार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में कुछ घंटों के लिए शिक्षा मंत्री बन इस्तीफा देने वाले मेवालाल चौधरी की परेशानी बढ़ने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर मेवालाल चौधरी की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल BAU में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति घोटाले में मुख्य आरोपी मेवालाल के मामले में SSP आशीष भारती ने अभियोजन स्वीकृति के लिए BAU के कुलपति को पत्र जारी कर दिया है। इसके बाद कुलपति डॉक्टर AK सिंह ने राजभवन से निर्देश लेने के साथ ही कानूनी विशेषज्ञों से राय लेने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके बाद इस मामले के फिर से खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। देशव्यापी हड़ताल का माले देगा सक्रिय समर्थन। भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल ने देशव्यापी आम हड़ताल को समर्थन देने का ऐलान किया है, जिसके तहत भाकपा के राज्य सचिव कुणाल ने कहा है कि ऑल इंडिया सेंटर फॉर ट्रेड यूनियन सहित सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन के संयुक्त आह्वान पर आगामी 26 नवंबर को आयोजित देशव्यापी आम हड़ताल का हमारी पार्टी समर्थन करेगी। रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी और कमर तोड़ महंगाई, गुलामी के 4 श्रम कोड कानूनों, कंपनी राज, निजीकरण और देश के संसाधनों को बेचने तथा संविधान और लोकतंत्र पर हो रहे गलत बर्ताव के खिलाफ आयोजित यह देशव्यापी हड़ताल देश बेचू मोदी सरकार को करारा राजनीतिक दबाव होगा। अमिताभ बच्चन बन डेविड वार्नर ने शेयर की अपनी वीडियो। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर को हिंदी फिल्मों के गाने पर डांस करते हुए पहले भी देखा जा चुका है। वहीं अब उन्होंने एक छोटी सी क्लिप इंस्टाग्राम पर शेयर की है और फैन से पूछा है कि यह कौन सा हीरो है और यह किस फिल्म का सीन है। इस वीडियो में डेविड वार्नर एक ऐप के जरिए अमिताभ बच्चन के चेहरे में अपना चेहरा लगाए नजर आ रहे हैं, जो कि बदला फिल्म का सीन लग रहा है। वार्नर के इस पोस्ट पर फैंस ने भी मजेदार कमेंट्स किए हैं। बिग बॉस के घर से बाहर आते ही जान ने अपने पिता कुमार सानू पर लगाए आरोप। बिग बॉस के 13वें सीजन से जान बाहर हो गए हैं। हालांकि घर से बाहर आते ही उन्होंने अपने पिता पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा कि हम 3 भाई हैं। मेरी मां रीता भट्टाचार्य ने हम तीनों को अकेले ही बड़ा किया है। हमारी जिंदगी का हिस्सा कभी पिता रहे ही नहीं जानता कि मुझे एक सिंगर के रूप में उन्होंने कभी सपोर्ट और प्रमोट क्यों नहीं किया। आप उनसे पूछ सकते हैं। इसके पीछे की वजह, इंडस्ट्री में कई सेलेब्स हैं जिनका डिवोर्स हुआ है,
लेकिन पहले परिवार को सपोर्ट करने से कभी पीछे नहीं रहे हैं। घर की जिम्मेदारी हमेशा उन सभी ने निभाई है, पर मेरे केस में मेरे पिता कुमार सानू हम में से किसी के भी टच में नहीं रहे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नवगठित सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।